नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। सो दोस्तों, आज मैं एलईडी बल्ब का लाइफ बढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम एक फैन कैपेसिटर से आज हम 3 एलईडी बल्ब का लाइफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आज मैं इसी को बनाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप इस प्रोसेस को पूरा समझ पाओगे। तो इस एलईडी को लाइफ अगर बढ़ाना चाहते हो तो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को अगर आप रेगुलर देखते होंगे तो आप देखे होंगे कि मैं एक फैन कैपेसिटर से एक बल्ब का लाइफ बढ़ाया था, लेकिन आज मैं एक फैन कैपेसिटर से आज 3 एलईडी बल्ब का लाइफ बढ़ाएंगे। अब फिर जलेगा कि नहीं जलेगा, तो आज इसी को मैं बनाने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप इसको बना पाओगे और समझ पाओगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए आपको एक फैन का कैपेसिटर लेना पड़ेगा, अच्छा रहना चाहिए। तो मैं इसको बनाना स्टार्ट करता हूं दोस्तों। बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा आप तक तुरंत पहुंचेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो दोस्तों, मैं इन तीनों होल्डर का पैरेलल कनेक्शन कर लेंगे। तो मैं सभी का रेड का वायर रेड में जोड़ देंगे, आप देख पा रहे होंगे तीनों होल्डर का रेड का वायर रेड में जोड़ देंगे, और ब्लू का वायर तीनों में जोड़ देंगे। तो दोस्तों, अगर मैं तीनों को जोड़ दिया हूँ, आप देख पा रहे होंगे। अब मैं इसको पहले एक बार चेक करके आपको दिखाते हैं कि कैपेसिटर के साथ अच्छा जलता है कि बिना कैपेसिटर के साथ अच्छा जलता है। तो आज मैं सबसे पहले एक बल्ब को मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि ये लाइट तो कहीं कम नहीं होगा। तो मैं एक बल्ब इससे लगा दिया हूँ, अब मैं 220 वोल्ट सप्लाई देके देख लेता हूँ कि ये किस तरह चलता है। और तो इसको पता करने के लिए मैं एक वायर किसी में, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं रहता है, आप इस पर कोई भी वायर एक में इसमें जोड़ देना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं एक वायर किसी को भी ब्लू में जोड़ देता हूँ। और अब ये तो मेरा इधर से कनेक्शन हो गया, अब ये बचा 220 वोल्ट सप्लाई, इस पर देंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले इन दोनों को चेक करके देख लेता हूँ कि इस पर वोल्टेज कितना लाइट देता है और कैपेसिटर के साथ कितना लाइट देता है। तो मैं एसी 220 वोल्ट ले लिया हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा जला, लेकिन कैपेसिटर के साथ किस तरह से जल रहा है कि लाइट कहीं कम देता है का। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा लाइट कम हुआ है, लेकिन ये अच्छा जल रहा है। तो फ्रेंड, मैं अब देख रहे हैं कि मैंने तो एक कैपेसिटर से एक बल्ब को जलाया, लेकिन आज हम देखेंगे तीनों को एक कैपेसिटर के साथ लगा के कि ये जलता है कि नहीं जलता है। तो मैं तीनों बल्ब को लगा दिया हूँ और अब मैं इस पर कोई प्लस माइनस नहीं रहता है, तो मैं डायरेक्ट इस पर वायरिंग कर देंगे और 220 वोल्ट सप्लाई डायरेक्ट हम दे देंगे। देखते हैं कि ये तीनों, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा जलने लगा एक कैपेसिटर से और
इन तीनों का लाइफ भी बढ़ चुका है। ये बिलिंग कर रहा है लेकिन कैमरा में बिलिंग कर रहा है, इस तरह से बिलिंग नहीं करता है। थोड़ा बहुत लाइट कम हुआ है लेकिन लाइट अच्छा देता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा।